हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एजुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर 13 जो कि ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आज एक्सरसाइज 13 ए का क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 13 नंबर। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस tan 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर दिया। सो सिंपल है, आप चाहो तो ये आपका LHS टर्म है, ये आपका RHS टर्म है। तो अगर LHS से चलकर RHS में प्रूव कर सकते हो, नहीं तो RHS से चलकर LHS में प्रूव कर सकते हो, नहीं तो वो भी नहीं हो तो दोनों LHS और RHS से दोनों का इक्वल कर दोगे तो वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS से चलते हैं। LHS में क्या दिया हुआ, सिंपल से देखिएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा बाय sec थीटा माइनस tan थीटा दिया हुआ है, राइट ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको LHS वाला टर्म है। अब जहां जहां आपको tan दिख रहा वहां पर कोसेंट रिलेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे tan का, sin बाय cos, और sec का क्या होगा 1 बाय cos। तो वही चेंज कर देता हूं। देखिए यहां पर क्या होगा, 1 बाय cos होता है cos थीटा प्लस sin थीटा बाय यहां पर cos थीटा, मैं चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है, मैं चेंज कर दिया हूं। सी सेम कॉपी कर दो ऊपर से, cos थीटा माइनस यहां पर लिखेंगे sin थीटा बाय यहां पर cos थीटा लिख देंगे, इस तरह से ब्रैकेट को यूज कर लेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए यहां पर करेंगे क्या, सिंपल से एलसीएम ले लेंगे, तो इसका cos को cos एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो 1 प्लस sin थीटा बन जाएगा, ये आपका 1 प्लस sin थीटा बन गया, राइट ना, ये आपको इस तरह से बन गया। अब देखिए ऊपर में भी लिए तो अब नीचे में सेम उसी तरह से एलसीएम लेना है, cos थीटा बन जाएगा, राइट, यहां पर भी बन जाएगा 1 माइनस sin थीटा। आई थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, cos से cos कैंसिल हुआ तो बचा क्या, देखिए बच गया क्या, 1 प्लस sin थीटा बचा बाय 1 माइनस यहां पर बचा sin थीटा। ये आपको LHS वाला टर्म इतना आ गया। अब हम RHS वाला टर्म से चल देते हैं। RHS से टर्म से चलेंगे तो आपको दोनों का इक्वल करने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो RHS में क्या दिया हुआ, 1 प्लस sin थीटा बाय यहां पर लिखेंगे इस तरह से, और लिखेंगे cos थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको RHS वाला टर्म दिया, सो सिंपल है। करेंगे क्या, इसमें भी सिंपल सा चेंज कर डालो, क्या करेंगे सिंपल से, इसको लिख कैसे, इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह से लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस sin थीटा, देखिए 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर इस तरह से सेपरेट लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस टर्म को दो बार लिख देते हैं, 1 प्लस sin थीटा और ये 1 प्लस sin थीटा। मैं ये दो टर्म, इसको दो पावर दो है तो दो टर्म्स में लिख सकता हूं, क्योंकि हमें लाना है इतना, ठीक है। और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, राइट। अब देखिएगा इसको पढ़ो ए स्क्वायर, और इसको पूरे को पढ़ो साइन स्क्वायर थीटा को बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और होता है ए माइनस बी। तो ए वाला टर्म हमें दिया, ए वाला टर्म पे लिखना, तो एज इट इज ऊपर में रहने दो, ठीक है, और यहां पर 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा आपको इस तरह से। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इस तरह से स्क्वायर बैठा सकते हैं, तो लिखेंगे एक और प्लस में, तो 1 प्लस साइन थीटा साइन थीटा, और इसी तरह से क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा, राइट, ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया, ये इस तरह से बन गया, तो ये 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा यहां पर बच गया, और बचा यहां पर 1 माइनस साइन थीटा ये। तो आपको यहां से क्या देखने को मिला, यहां से देखने को ये मिला आपको कि LHS वाला टर्म जितना आ रहा है, जितना LHS वाला टर्म आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, उतना RHS वाला टर्म ही प्राप्त हो रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा। इट मीन दैट कि LHS और RHS दोनों टर्म इक्वल हो गया, दोनों टर्म क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, ये आपको पूरी तरह से प्रूव हो गया। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।